छत्तीसगढ़ के अंतिम छोर यानी कि सुकमा लगातार पिछले एक सप्ताह से होने वाली बारिश का जो सीधा सीधा प्रभाव है सुकमा जिले को पड़ा है। कई ऐसे इलाके हैं जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वहां भी पानी भर चुका था, लेकिन अब राहत की खबर यह है कि कोंटा से सुकमा तक जो राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह से बाधित हुआ था वो सुचारू रूप से फिर से चालू हो गया क्योंकि पानी का जो जलस्तर है वो कम हो गया। लेकिन बात करते हैं कोंटा की, तो यहां भी जो है सबरी नदी का जो जलस्तर है वो लगातार जो है बढ़ रहा है, 12 मीटर जो है वो छूते हुए बह रहा है क्योंकि गोदावरी का जो बैक वाटर है वो कहीं ना कहीं सबरी को जो है वो प्रभावित करता है। इस वक्त गोदावरी का जो वाटर लेवल है लगातार जो है तीसरे वार्निंग लेवल को छूते हुए बह रहा है। सबरी का जो जलस्तर है वो गति जो है वो धीमी हो गया है। अगर सबरी का जो गति धीमी होता है तो कहीं ना कहीं जो है वो गोदावरी का बैक वाटर, आपको दिखाना चाहूंगा इस तरीके से कोंटा के वार्ड क्रमांक 15, 12, 11 यानी कि इस तरह से जो है वो पानी धीमी धीमी होते हुए लोगों के घरों तक जाता है क्योंकि पिछले बार अचानक जो है वो कहीं ना कहीं बैक वाटर से जो है वो कोंटा के पूरे 15 वार्डों में 10 वार्ड जो है पूरी तरह से प्रभावित हुए थे। कई परिवार जो है उनका जीवन जो है अस्त व्यस्त हो चुका है। लगातार फिर जो ऊपर इलाके में बारिश कम है और निचले इलाके में लगातार जो गोदावरी का जलस्तर बढ़ रहा है कहीं ना कहीं फिर एक बार कोंटा को बाढ़ जैसे हालात बना सकता है क्योंकि तेलंगाना आंध्र प्रदेश में पिछले 2 दिनों तक लगातार जो है अलर्ट जारी कर दिया गया है जिसके चलते लगातार गोदावरी का जो जल स्तर है वो बढ़ रहा है, यानी कि गोदावरी का जल स्तर बढ़ने से फिर एक बार कोंटा को बाढ़ जैसे हालात यानी कि बन सकते हैं। कैमरा पर्सन गौरव कुमार पिल्ले के साथ स्वराज एक्सप्रेस के लिए ओलम नागेंद्र सुकमा।